शिवनी संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय काल के परिपालन में आज बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष 100 से अधिक किसानों ने एक दिवसीय धरना दिया और महामहिम राष्ट्रपति और स्थानीय जिलेवासियों की समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम 17 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पश्चात किसानों ने एक स्वर में संकल्प लिया है कि अपने लक्ष्य को संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत निरंतर संघर्ष जारी रखने और शोषण मुक्त देश प्रदेश का नव निर्माण करने और राजनीतिक दलों को नकेल डालकर ही दम लेंगे ताकि हमारे बाल बच्चे और देशवासी स्वच्छ हवा में सांसें ले सके। उक्त आंदोलन को सफलीभूत बनाने में संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठन संयुक्त किसान समन्वय समिति, किसान संघर्ष समिति, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासभा, अखिल भारतीय किसान सभा एटक का सराहनीय सहयोग रहा। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। आपातकाल के 40 साल पूरे हो गए हैं और किसान आंदोलन जो 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था उसके आज 7 माह पूरे होने जा रहे हैं। हमारा जो नागरिक है देश का वो अघोषित आपातकाल जैसा महसूस कर रहा है। देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।